सर आपका नाम? अखिलेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, आप ये नग्न अवस्था के अंदर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी विडम्बना क्या है? हमारी विडम्बना निरंतर 20 वर्षों से हमारा शोषण हो रहा है, अर्ध नग्न नहीं, हमको नग्न अवस्था में भी आना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे कफन के लिए कपड़ा भी शासन नहीं दे पाएगी, हमारे बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं दे पाएगी, तो हम कहाँ से कपड़े पहनेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि हमारी गुरुओं का सम्मान करते हुए शिक्षा बचाओ और इस राष्ट्र को बचाओ, इस निजीकरण की तुष्टिकरण की राजनीति को बंद करें, शिक्षा को बढ़ावा दें। अगर किसी राष्ट्र को आप सम्मान देना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, तो केवल और केवल शिक्षा पर सबसे अधिक बजट होना चाहिए, जो हमारी मध्य प्रदेश का सबसे कम, सब राज्यों में सबसे कम बजट होता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ, अमित शाह जी प्रदेश के दौरे पर गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन था हमारे यहाँ कर्मचारी तक 100 है, खुश है। हम अमित शाह जी 100 में 100 अंक दे के आए हैं, हम सड़कों पर अर्धनग्न घूम रहे हैं। किसी भी कर्मचारी से आप पूछिए, किसी भी किसान से आप जाके पूछिए, किसी भी मजदूर से आप जाके पूछिए, माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी, इन 5 सालों में जितना शोषण माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है, उसका परिणाम ज्यादा दूर नहीं है। 6 महीने में अगर आप संभल सकते हो और माननीय शिवराज सिंह को चेता सकते हो, तो आप चेता दें। शिवराज सिंह जी होश में आकर के और जो गलती कर बैठे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने गलती की है, जिसका परिणाम ये भुगत रहे हैं कि सड़कों पर मूंद खाने लायक नहीं बचे हैं, आप यहां से लेकर प्रदेशों तक भी इन अध्यापकों के सम्मान को ना देने पर मूंद दिखाने लायक भारत में नहीं रहेंगे, ये मैं दोबारा करता हूं। और शिक्षा विभाग